स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाखा क्लासेस। आज मैं आपको यम्मी से टेस्टी सी मैंगो की लस्सी सिखाने वाली हूँ विद द ड्राई फ्रूट्स। इसे बनाना बहुत इजी है और नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें घर पे मिल ही जाएगी। चलो उसको कैसे बनाना है उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी हुई है। ये देखिए यम्मी सी आज मैंगो लस्सी सिखाने वाली हूँ। ये बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। निकले बादाम, पिस्ता, इलायची, केसर, मैंगो, मलाई, शक्कर और यहाँ पे मैंने दही लिया हो। दही को मैंने छान के ले लिया है। अब इसे बनाने की हम विधि देख लेते हैं। सबसे पहले केसर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है आपको। ये देखते हो ऐसे ही डालना है। अब बाकी तैयारी कर देंगे। तब तक मिक्सर जार लेंगे, इसमें आम डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नियर बाय मैंने एक आम लिया हुआ है। अब इलायची डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़ी सी मलाई डालेंगे। मैं भी हाफ ही मलाई डाल रही हूँ और बाकी जो मलाई हम बाद में यूज करने वाले हैं। अब इसको मिक्सर ग्राइंड कर देंगे। और जो मैंने मलाई लिया था वो घर का ही मलाई लिया हुआ है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। ये देखिए अच्छे से प्यूरी बन गई है। अब एक बाउल में निकाल देंगे इसको। फिर प्यूरी हो गई है, अब हम बाकी की तैयारी कर देंगे। मैंने एक चम्मच शक्कर ली थी, उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हमारी शक्कर दही में डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये आप देख सकते हो अच्छे से हो गए। अब हम इसमें मैंगो की प्यूरी डालेंगे। अब हमारा दही डालेंगे इसमें। ये मैंने दही डाल दिया। अब हम वापस इसके ऊपर मैंगो की प्यूरी डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिए। अब हम इसके ऊपर से मलाई डालेंगे। अब हमारी केसर डालेंगे। अब हम थोड़ी सी बादाम डालेंगे। अब पिस्ता डालेंगे। अब केसर का थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे ऊपर से। ये क्यूब्स डालेंगे। टेस्टी सी यम्मी सी मैंगो लस्सी विद ड्राई फ्रूट्स रेडी है खाने के लिए। आओ आप भी सीखो इसे बनाने कैसे हैं।